हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले जो खेला जाएगा नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के अंदर 10 नवंबर को शाम के 7 बजे से। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर। ये सीरीज अभी 1-1 से टाई चल रही है, तो जो भी ये टीम यह मैच जीतेगी वो इस सीरीज को प्रणाम कर लेगी। अगर मैं जामठा के मैदान के बारे में बात करता हूं तो यह मैदान काफी बड़ा है, यहाँ की बाउंड्रीज काफी बड़ी बड़ी आपको देखने को मिलती है। तो इस पिच के ऊपर स्पिनर्स अच्छी फ्लाइट से बॉल डाल सकते हैं, छक्का मारना मुश्किल होगा इस ग्राउंड के ऊपर। और ये पिच भी धीरे धीरे स्लो होती जाती है, मैच चलता है वैसे, पर फिर भी सेकंड इनिंग से टू फैक्टर बहुत ज्यादा बीच में आएगा। आप टॉस जीते पहले बॉलिंग करने का फैसला करोगे इस ट्रैक के ऊपर। सबसे पहले बात करता हूं इंडिया की टीम के बारे में, जो कि पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में काफी अच्छी वापसी करते हुए आ रही है और एक काफी आसानी से मैच जीती हुई आ रही है। रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त पारी खेली और बताया कि क्यों वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है और उनके सामने टिकना बहुत मुश्किल है। रोहित शर्मा ने वापस से अपनी क्लास दिखाई। बॉलिंग के अंदर युजवेंद्र चहल बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हुए दिखे, हालांकि वो बहुत बार अनलकी रहे, पर फिर भी युजवेंद्र चहल ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी पिछले मैच के अंदर भी। खलील अहमद का इस मैच से ड्रॉप होना एकदम पक्का है, लगातार दूसरे मैच में फ्लॉप हुआ। मेन बात यह है कि वो लगातार एक ही एक गलती वापस कर रहे हैं। पिछले मैच के अंदर मोहम्मद नईम को वापस से शॉर्ट बॉल डाले जा रहे थे और मोहम्मद नईम उनको चौके पे चौके मारे जा रहे थे। इस मैच के अंदर खलील अहमद का ड्रॉप होना एकदम तय है। पिछले मैच में ऋषभ पंत की बैटिंग नहीं आई, पर फिर से वापस से कंट्रोवर्सी हुई इनके ऊपर, इस बार उनके विकेट कीपिंग के ऊपर। पिछले मैच में एक ऐसा स्टंपिंग हुआ जहां पर ऋषभ पंत ने स्टंप के आगे से बॉल पकड़ा और लिटॉन दास आउट के नॉट आउट हो गए और इंडिया को एक नो बॉल भी मिलनी पड़ी। तो ऋषभ पंत वापस से कंट्रोवर्सी में रहे, पर मुझे लगता नहीं है कि ऋषभ पंत को ड्रॉप करने की जरूरत है। आपके फील्डर भी कैच छोड़ते आप उनको ड्रॉप नहीं करते, ऋषभ पंत को एक और मौका मिलना चाहिए। शिखर धवन अच्छा किया, 31 रन बनाए, पर उनका इंटेंट T20 वाला दिख नहीं रहा है। शिखर धवन को थोड़ी तेज स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा अगर उनको सही से खेलना है, वरना वो वापस से स्ट्राइक रेट से बहुत कम खेल रहे हैं। अगर मैं लाइनअप के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से खलील अहमद की जगह शार्दुल ठाकुर टीम में आएंगे, वरना वही टीम खेली थी लास्ट मैच में खेली थी, ओपनिंग करेंगे शिखर धवन और रोहित शर्मा। नंबर 3 पे आपके आते हैं KL राहुल, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे कृणाल पांड्या, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चहर, युजवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर। तो मेरे हिसाब से ये लोग इंडिया की और इंडिया सीरीज जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगा। अब मैं बात करता हूँ बांग्लादेश की टीम के बारे में। बांग्लादेश की टीम ने जब इंडिया को पहले मैच में हराया था तो उनसे उम्मीदें बढ़ गई थी, पर सेकंड मैच के अंदर उनकी बॉलिंग बुरी तरह से फ्लॉप हुई और उनको टॉस हारने का बहुत नुकसान हुआ। डू के अंदर वो अच्छे से बॉलिंग नहीं कर पाए। पिछले मैच में आफीफ हुसैन को बहुत ही बुरा ठोका था रोहित शर्मा ने, उनको सिर्फ एक ओवर का मौका लगा। मुझे लगता नहीं है कि बांग्लादेश को ऑफ ब्रेक बॉलर को लेना चाहिए इस ट्रैक के ऊपर, ऑफ ब्रेक बॉलर कुछ खास कर नहीं पाते। बांग्लादेश की टीम काफी बिट्स एंड पीसेस प्लेयर के साथ खेल रहा है, टीमों को पर्टिकुलर प्लेयर की जरूरत। सबसे पहले मोहम्मद मिथुन को टीम में आना चाहिए, मोहम्मद मिथुन ने काफी ज्यादा अच्छी बैट्समैन है और वो टीम को अच्छी सॉलिडिटी देंगे। उसके अलावा तईजुल इस्लाम जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर है वो भी टीम में आ सकते हैं, इन दोनों प्लेयरों को टीम में आने की जरूरत है। उसके अलावा टीम में मैं बात करता हूँ तो लिटॉन दास ने काफी अच्छी बैटिंग करी थी पिछले मैच के अंदर, टीम वापस से उनसे उम्मीद करेगा। मोहम्मद नईम है वो काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, काफी यंग प्लेयर है, जबरदस्त अग्रेसिव खेल रहे हैं। उसके अलावा सौम्य सरकार ने भी काफी अच्छी बैटिंग करी है, उनको बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और वो एक दो ओवर डाल सकते हैं और एक्स्ट्रा बैट्समैन बांग्लादेश खिला सकता है इस मैच के अंदर, वरना मुस्तफिजुर रहमान ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी। तो बांग्लादेश की टीम को एक प्लेइंग 11 की जरूरत है, आपको दो चेंजेस करने चाहिए। उसके बाद बांग्लादेश की टीम अच्छी है, बस उनको पूरे फाइट देके इस मैच पे खेलना पड़ेगा। अगर बांग्लादेश की लाइनअप के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से ये टीम खिलाने से यहां पे ओपनिंग करेंगे लिटॉन दास और मोहम्मद नईम शेख, नंबर 3 पे सौम्य सरकार, नंबर 4 पे मुशफिकुर रहीम, नंबर 5 पे महमूदुल्ला, नंबर 6 की ओर मोहम्मद मिथुन, फिर आपके आते अमीनुल इस्लाम, शफील इस्लाम, तईजुल इस्लाम, मोहम्मद अमीन और उसके अलावा आप कहते हैं मुस्तफिजुर रहमान। तो मेरे हिसाब से ये टीम होनी चाहिए। मुसद्दिक हुसैन और आपके आफीफ हुसैन की जगह पे मैं टीम में लाऊंगा तईजुल इस्लाम को और मोहम्मद मिथुन को। आप मुझे पोल बताना ये मैच कौन जीतेगा, इंडिया इसमें कुछ जीते सीरीज जीतेगा, फिर वो टीम बांग्लादेश जो सीरीज जीतेगी, आप मुझे पोल जरूर से बताना। और इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम आने वाली उस टीम के ऊपर। अगर मेरे वर्ल्ड के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से
वापस से इंडिया फेवरेट रहने वाला इस मैच के अंदर। इंडिया की टीम आसानी से यह मैच जीत जाना चाहिए। हालांकि थोड़ा ट्रैक बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर सकता है, पर मेरे हिसाब से इंडिया मैच जीतेगा और सीरीज को 2-1 से बनाम कर लेगा और ये उनकी T20 सीरीज से पहले इंडिया के होम सीजन में पहली T20 सीरीज जीत होगी। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद जरूर से आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियोज देखने के लिए। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।